दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भवानी देवी की लाइफस्टाइल के बारे में। भवानी देवी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर फिर से पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भवानी देवी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में आपको बताने वाले है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए इनकी बायोग्राफी से। दोस्तों इनकी फुल नेम है छदलावदा आनंदा सुंदर रामन भवानी देवी और निक नेम है भवानी देवी। और आपको बता दे कि ये प्रोफेशन से एक एथलीट है और ये एक सबरे प्लेयर है। इनकी जन्म हुई थी 27 अगस्त 1993 को चेन्नई तमिलनाडु में, और 2022 के हिसाब से अब भवानी देवी 29 साल की हो चुकी है। दोस्तों ये नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजियन से एक हिंदू है। और वही अगर बात किया जाए इनके जोड़क साइन के बारे में तो इनकी जोड़क साइन है वीर्गो। चलिए अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट है 163 सेंटीमीटर यानी की 5 फीट 4 इंचेस, और वेट लगभग 60 kg यानी की 132 lbs। दोस्तों इनकी आई कलर ब्लैक है और हेयर कलर भी ब्लैक है। दोस्तों अगर बात किया जाए इनके शिक्षा के बारे में तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई किया है मुरुगा धनुषकोडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई तमिलनाडु से। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने के लिए थलासरी केरला की गवर्नमेंट वेरनन कॉलेज में एडमिशन लिया, और इसके बाद इन्होंने MBA करने के लिए चेन्नई की ST जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों भवानी देवी एक इंडियन फेंसर है जो की एक फर्स्ट इंडियन की तौर पे 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। दोस्तों इन्होंने सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया था, और उस वक्त इनको इंडियन क्रिकेट की एक्स कैप्टन राहुल द्राविड़ ने काफी सपोर्ट किया था। दोस्तों इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फेंसिंग में करियर बनाने के पीछे जिसकी हाथ सबसे ज्यादा है वह है उनके माताजी, और एक फेंसर बनने के लिए इनकी माताजी ने इनको काफी उत्साह दी है। दोस्तों भवानी देवी जब क्लास 6 की पढ़ाई कर रही थी तब उनको स्कूल में 6 स्पोर्ट ऑप्शन दी गई थी जिनमें फेंसिंग भी शामिल थी, और इन्होंने उस वक्त फेंसिंग ही चूज की थी। दोस्तों अगर बात किया जाए इनके मेडल्स के बारे में तो आपको बता दें कि इनको सन 2014 में सिल्वर मेडल मिली थी अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में, और इनको उसी साल यानी कि सन 2014 में ही तस्किनी कप में गोल्ड मेडल मिली थी, और इसके बाद सन 2015 में इनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिली थी फ्लेमिश ओपन और अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में। सन 2017 में इनको गोल्ड मेडल मिली है टर्ने सैटेलाइट WC फेंसिंग कॉम्पिटिशन में, और इसके बाद सन 2018 में इनको ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल भी मिली थी टर्निट सैटेलाइट WC फेंसिंग कंपटीशन में। और इसके अलावा इन्होंने इसी साल यानी कि सन 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा किया है। दोस्तों अगर बात किया जाए इनके फैमिली के बारे में तो आपको बता दें कि इनके फादर की नाम है सी आनंदा सुंदर रामन जो की पेशे से एक प्रिस्ट है, और इनकी मदर की नाम है सी ए रमानी और वो पेशे से एक होम मेकर है। और इसके अलावा इनकी फैमिली में इनकी 2 सिस्टर्स है जिनमें से एक की नाम है रेणुका और वो पेशे से एक लॉयर है। और वही अगर बात किया जाए इनके हाउस के बारे में तो आपको बता दें कि भवानी देवी अपनी फुल फैमिली के साथ अपनी होम टाउन चेन्नई तमिलनाडु में ही रहते है। तो दोस्तों ये थी इंडियन एथलीट भवानी देवी की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कॉमेंट्स करके हमें जरूर बता दे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।